उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह की पुत्र वधू पूर्व सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो भाजपा की तरफ से भी प्रत्याशी की खोज चल रही है। वहीं इन सबके बीच में मुलायम सिंह की छोटी पुत्र वधू अपर्णा यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर मैनपुरी सीट को लेकर बैठक होनी है, जिसमें क्षेत्र के 3 नामों पर चर्चा की जाएगी और इसमें से एक नाम फाइनल करके अगर उस नाम पर मोहर लगती है तो उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि मैनपुरी सीट से कौन प्रत्याशी होगा भाजपा की तरफ से। वहीं अगर अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव को अगर भाजपा प्रत्याशी बनाती है तो कहीं ना कहीं ये विरासत की जंग बहु बनाम बहु भी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि भाजपा का अगला कदम क्या होगा, क्या वो यादव परिवार से ही प्रत्याशी उतारती है कि क्षेत्र के किसी उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।